सरदार बहादुर जी में छोटी उम्र से ही सच्चाई, नम्रता और निर्मलता के गुण मौजूद थे। इसीलिए कॉलेज में भी उनके दोस्त उन्हें गुरुजी कहकर बुलाया करते थे। सरदार बहादुर जी ने एग्रीकल्चरल कॉलेज में करीब 20 साल तक नौकरी की और वाइस प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए। इस दौरान उनकी भरपूर सराहना की गई, जो रिकॉर्ड में मौजूद है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने लिखा, उनकी जितनी भी सिफ्त की जाए कम है। कॉलेज का ये बुजुर्ग महापुरुष अपने विद्यार्थियों और अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों में बहुत लोकप्रिय है। एक शिष्य के रूप में सरदार बहादुर जगत सिंह जी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अपना भजन सिमरन और सेवा करते थे। सत्संगी की रहनी किस तरह की होनी चाहिए, सरदार बहादुर जी खुद इसकी जीती जागती मिसाल थे। जब कभी आप बड़े महाराज जी के साथ होते तो आप चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाते और अपने सदगुरु के दर्शनों में लीन हो जाते। आपने कभी कोई सवाल नहीं पूछा और ना ही कभी खुद अपनी तरफ से उनसे बातचीत करने की कोशिश की। जब सरदार बहादुर जी गुरुगद्दी पर विराजमान हुए तो उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। बड़े महाराज जी के चोला छोड़ देने के बाद संगत अपार दुख में डूबी हुई थी। कई सत्संगी डेरे आने का हौसला ही नहीं कर पा रहे थे। कईयों ने तो डेरे से नाता ही तोड़ दिया और कईयों के दिलों में भ्रम और शंकाएं उठने लगी। इसके बारे में महाराज चरण सिंह जी ने अपना अनुभव सुनाया। When he became master, secondly, you see, it's very difficult for the satsangis to come to the era after the death of the master, because we are so attached to the great master, and this whole place had so much association with the great master. Each and every building, every place, I mean, where we used to play with him or hear a satsang and all that. So to come to the colony without him is something very hard for any disciple, you see. So naturally, I was also feeling very depressed after the death of the great master. And I didn't come to Beas for about 6-7 months. And Sardar Bahadur went to Sardar. And he asked me that we didn't come to Beas. I couldn't say him anything. Not that we didn't respect him, I loved him. And I had tears in my eyes. I said, I can't stand that place of the great master. He says, you are fortunate, you can afford not to come, but I can't escape from that place. I even can't bear it without him, that place, but I can't even leave that place. So next day I came along with him there. कुछ ही समय में सरदार बहादुर जी के दया भाव, सेवा की लगन और उनके प्रेरणा भरे सत्संगों की बदौलत संगत फिर से डेरे आने लगी।